नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अप चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज के वीडियो में हम लोग किचन ओटा कैसे फिक्स करते हैं इसका एक प्रैक्टिकल वीडियो देखने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं, ये किचन का पार्ट, ये दीवार में किचन ओटा जहाँ फिक्स करना है उसको मार्किंग करके उसको कटिंग कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये वर्टिकल का और ये हॉरिजॉन्टल का। ये वर्टिकल जहाँ कड़ापा पार्टीशन उसके लिए, और ये कड़ापा जहाँ हॉरिजॉन्टल लगाना है उसके लिए। जनरली एक या दो सपोर्ट रहते हैं, यहाँ एक ही सपोर्ट लिया गया है। ये कटिंग होने के बाद में लेवल लेते हैं ताकि उसका जो सेंटर में जो कड़ापा बैठाना है वो प्रॉपर अलाइनमेंट में बैठ सके, प्रॉपर हॉरिजॉन्टल बैठ सके। ये देखिए, ये बीच में जो कड़ापा बैठाना है उसका मार्किंग कर रहे हैं। किचन ओटा में जनरली कड़ापा स्टोन, ग्रेनाइट, सीमेंट, एडाडेट और किचन सिंक और डस्ट, ये सारे मटेरियल का इस्तेमाल होता है। ये आप कड़ापा देख सकते हैं, इधर आप देखिए जहाँ नीचे का कड़ापा बैठा ना उसका मार्किंग करके कटिंग किया गया है। अभी एक्चुअल साइट्स के साइज के हिसाब से वो कड़ापा को कटिंग करते हैं। ये कटिंग मशीन है, देखिए कटिंग करके इसको वर्टिकल फिक्स कर रहे हैं। ये वर्टिकल फिक्स करते समय उसका वुलन चेक करते हैं, प्लम चेक करते हैं ताकि वो प्रॉपर वर्टिकल हो। ये देख सकते हैं आप, दोनों साइड से उसका वुलन चेक करके उसको फिक्स करते हैं। और उसका मेजरमेंट भी प्रॉपर आना चाहिए दीवार से। यहाँ जो बीच वाला सेंटर वाला कड़ापा बैठाना है वहाँ थोड़ा सा कट करके वहाँ जॉइंट के लिए एक वॉशर या फिर एक कॉइन लगा देते हैं, वो कॉइन के ऊपर वो फिक्स बैठता है। ये देखिए, इधर आप लगा कॉइन लगा रहे हैं। उसको तीनों साइड से दीवार का साइड का दीवार सपोर्ट, बैक साइड का दीवार सपोर्ट और ये साइड का कड़ापा का सपोर्ट कॉइन का, ये तीनों साइड से ये फिक्स हो जाता है। इधर आप देख सकते हैं कॉइन बैठाया है, ये वॉशर टाइप कॉइन रहता है बड़ा साइज का। या फिर आप ये जो 2 रुपये वगैरह बड़ा वाला कॉइन आता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, इसका गुनिया चेक कर रहे हैं। ये देखिए, बीच में जो पार्टीशन हॉरिजॉन्टल पार्टीशन डालना है उसका कड़ापा, उसको प्रॉपर साइज से मेजरमेंट से कटिंग करते हैं। किचन ओटा बनाने के लिए सबसे मेन कड़ापा, ग्रेनाइट, सीमेंट, एडाडेट, डस्ट और किचन सिंक, ये इम्पोर्टेंट मटेरियल है। ये देखें, इसको कट कर रहे हैं। ये मशीन से कट करते समय कंटिन्यूस पानी डालते हैं ताकि वो डस्ट ना उड़े। ये देखें, अभी
हॉरिजॉन्टल वाला सेंटर वाला बैठा रहे हैं। उसको दो साइड में दीवार में जहाँ कटिंग किया वहाँ से सपोर्ट है, और एक साइड में वर्टिकल कड़ापा का सपोर्ट है। ये बैठाने के बाद में इसका प्रॉपर लेवल भी चेक करते हैं लेवल ट्यूब से, एक ही लेवल में बैठा है कि नहीं चेक करते हैं। ये बैठाने के बाद में जहाँ कटिंग किया, चेपिंग किया और जहाँ कड़ापा बैठाया वहाँ पूरा सीमेंट डस्ट का मोर्टर भर देते हैं, नीचे और ऊपर दोनों साइड से वो मोर्टर से वो पूरा गैप भर देते हैं। इधर आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों जो भी गैप है वो पूरा मोर्टर से भर देते हैं। अब ये ऊपर का है, ऊपर जहाँ कड़ापा बैठाने वाले हैं उधर का पूरा जहाँ कटिंग किया वहाँ पूरा साफ सफाई करके क्लीन करके मेजरमेंट के हिसाब से वो टॉप का जो कड़ापा पोर्शन है उसका कटिंग करते हैं। इधर आप देख सकते हैं किचन ओटा बनाने के अलग अलग से डिज़ाइन है। कुछ लोग तीन या चार कंपार्टमेंट बनाते हैं वर्टिकल का, कुछ लोग दो ही बनाते हैं, कुछ लोग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों का मिक्सचर भी बनाते हैं। ये डिपेंड है वो क्लाइंट के चॉइस के ऊपर, आपके चॉइस के ऊपर वो डिपेंड है। ये देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल बैठा रहे हैं और बैठाने के बाद में इसका लेवल भी चेक कर रहे हैं। प्रॉपर लेवल में बैठना बहुत ही जरूरी है। और ये बैठाने के बाद में जो ऊपर का गैप है उसको मोटर से भर रहे हैं। अभी जो सिंक तरफ बैठाना है कड़ापा उसका सिंक के हिसाब से उसका मेजरमेंट लेके उसका कटिंग करते हैं। तो सिंक को तीनों साइड में ये कड़ापा आता है और लेफ्ट साइड में ये बड़ा वाला कड़ापा आता है। देखिए इसका कटिंग कर रहे हैं साइज के हिसाब से। ये देखिए सिंक पोर्शन का ये निकाल के इसको बैठाया गया है। इधर आप देख सकते हैं इधर अभी पूरा मसाला बना रहे हैं सीमेंट और डस्ट मिक्स करके। ये जो टॉप कड़ापा है उसके ऊपर पूरा मोर्टर का एक लेयर दे करके लेवल के हिसाब से इसके ऊपर बाद में ग्रेनाइट फिक्स करते हैं। ये देखिए अभी इसका लेवल चेक कर रहे हैं मोर्टर का बराबर फिक्स करके। और ये किचन वोटा बैठते समय स्लाइटली टुवर्ड्स सिंक थोड़ा स्लोप देते हैं। ये अभी लेवल चेक कर रहे हैं, ये लेवल में ही टॉप लेवल में ही स्लोप एडजस्ट करते हैं। हल्का सा वो किचन सिंक की तरफ स्लोप देते हैं, अगर किचन वोटा साफ किया पानी किया तो पूरा सिंक की तरफ पानी जाए ऐसा। और ये राइट साइड में जो छोटा पोर्शन है वहाँ से भी सिंक की तरफ ही स्लोप देते हैं। इधर आप देख सकते हैं बीच वाला जो पोर्शन है उसमें सिंक बैठेगा इसमें। अब ये प्रॉपर मोटर का लेवल कर रहे हैं। ये अभी सिंक बैठाया गया है, इधर आप देख सकते हैं।
और इसका टॉप के मेजरमेंट के हिसाब से ये जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट टॉप, उसको फिक्स करते हैं। ये क्रीम कलर का वुड ग्रेनाइट है, इसको किचन टॉप के हिसाब से फिक्स करेंगे। अभी इसका ऊपर का साइज़ के हिसाब से इसका कटिंग कर रहे हैं। इसके बाद ही जो सिंक पोर्शन है, सिंक पोर्शन के लिए भी तो सेंटर का पार्ट कट करके उसके हिसाब से उस सिंक साइड में भी ग्रेनाइट बैठा रहे। इधर आप देख सकते हैं सिंक पोर्शन के लिए कैसे सेंटर में कट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इधर देखिए, अभी इसका लेवल फिर से चेक करते हैं थ्रू आउट लेफ्ट साइड से राइट साइड तक पूरा ग्रेनाइट का लेवल। अभी इधर से हाफ पोर्शन जहाँ सिंक स्टार्ट होता है वहाँ एक, और उसके बाद में सिंक की दूसरी साइड दीवार की तरफ, ये दोनों लेवल चेक कर रहे हैं और जो प्रॉपर स्लोप है वो मेंटेन है कि नहीं वो भी चेक करते हैं। पूरा सीमेंट स्लरी फैला रहे हैं, ये पूरा मसाला बनाने के बाद में सीमेंट स्लरी लगा करके और उसके ऊपर ग्रेनाइट का टॉप बैठा देते हैं। इधर आप देख सकते हैं पिछले पोर्शन में हमने देखा जो ग्रेनाइट टॉप रखा था वो जस्ट लेवल चेक करने के लिए रखा था, और लेवल सेट सब सेट हो गया। उसके बाद में पूरा सीमेंट स्लरी डाल करके, सीमेंट पानी डाल करके उसके ऊपर फिर से ये ग्रेनाइट टॉप बैठा देते हैं। देखिए सिंक तरफ के पोर्शन में भी सीमेंट स्लरी डाल रहे हैं और उसके ऊपर अभी ये ग्रेनाइट बैठा रहे हैं। इसको पहले बैठा के चेक करते हैं बराबर बैठ रहा है कि नहीं लेवल के हिसाब से, बाद में निकाल के फिर सीमेंट स्लरी डाल के पूरा फैला करके बाद में इसको फिक्स करते हैं। ये बैठाने के बाद में जो सामने पोर्शन है, सामने फेशिया पट्टी, उसको बैठा रहे हैं। उसके लिए पूरा जो ग्रेनाइट का पट्टी रहता है टॉप में, जनरली 4 इंच का रहता है ये, और उसका टॉप को पूरा एकदम स्मूथ किया रहता है कर्व। अगर आप देख सकते हैं मोल्ड किया रहता है उसका पोर्शन, सामने वाले पोर्शन को पूरा ये मोटर और मसाला लगा करके और एडाडेड भी का भी इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए जो फिशिया पट्टी 4 इंच का पट्टी है उसको लगा रहे हैं। टॉप वाला पोर्शन मोल्ड करके स्मूथ कर्व किया गया है, इधर आप देख सकते हैं। ये कटिंग और स्मूथनेस जो भी मोल्डिंग है ये पूरा फैक्ट्री में ही करके आता है। ग्रेनाइट जहाँ से खरीदते हैं वहाँ ग्रेनाइट कटिंग मशीन से और वहाँ के मशीन से ही ये सब करके आते हैं। इधर जो स्लाइटली छोटा मोटा जो कटिंग है वो यहाँ ऑन द साइड करते हैं, और ये बैठाने के बाद में नीचे में जो एम्प्टी पोर्शन है वहाँ पूरा मोटर भर देते हैं, जैसे सिंक की तरफ है, फेशिया पट्टी की तरफ है, पूरा मोटर भर देते हैं। इधर आप देख सकते हैं भर रहे हैं। अब ये किचन ओटा तैयार है। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अभी ये किचन ओटा के ऊपर जो वॉल टाइल्स है वो लगाने के बाद में उसका एक वॉक थ्रू है, ये आप देख सकते हैं।
वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल देखते रहिए। धन्यवाद।